जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी। तो सुबह की 7:31 हो गई है और गिफ्ट निफ्टी 48 पॉइंट्स प्लस में दिखा रहा है, 49.70, 50 पॉइंट समझ लीजिए, 22,147, 22,147। स्पॉट में 22,040 पे बंद हुआ था, सबको याद होगा, 22,040 पे फ्राइडे को बंद हुआ था। तो सबसे पहले युग पुरुष गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कल 2:30 सुबह, यस्टरडे, उन्होंने समाधि ली डोंगरगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहाँ चंद्रगिरी जैन तीर्थ है हमारा, वहाँ पे थे वो। और जैन, पूरे जैन समुदाय के वो एक सर्वोच्च मान्य गुरु थे। और मेरे पिता, जिनका खुद का देहांत 1996 में हो गया था, वो भी इनके भक्त थे और मैं भी उनका परम भक्त हूँ। हालांकि जब पिताजी मुझे इनके बारे में बोलते थे तब मैं इतना ख्याल नहीं करता था, लेकिन 2009 में या 8 में मैं पहली बार उनसे फेस टू फेस मुलाकात हुई नागपुर में। तो वहाँ समझ में आया कि क्यों पिताजी बोलते थे इनके लिए ऐसा। उनकी एक ऑरा ऐसी है कि आप आसपास का 50 मीटर, 100 मीटर तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कुछ अलग ही वहाँ पे चेंज हो गया है। तो तब से मैंने ठान रखा है हर साल इनके दर्शन करूँगा, और ये 2024 का साल मैं भूल नहीं पाऊँगा पूरे जीवन में, क्योंकि मैंने प्लानिंग भी कर रखी थी कि 15 या 20 दिन बाद गुरुवर के दर्शन करने। मैं पूरी काफ़ी तीर्थ कर चुका हूँ दिसंबर से लेकर अभी तक, लेकिन सुबह वो खबर देख के मेरा दिल टूट सा गया। जैसा जब वो खबर मैंने 1996 में सुनी थी कि मेरे पिता का जब देहांत तो हो गया था मद्रास में, जबकि वो रीचेक के ले गए थे, तो ऐसा ही झटका मुझे महसूस हुआ और मैं रोक नहीं पाया। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपको रोना नहीं चाहिए, ये तो महान संत, इनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब जुड़ाव आपका ऐसा होता है तो आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें आप बस मानने के लिए मानते हो। जैसे मैं भोलेनाथ के लिए जो फील करता हूँ, शायद सब लोग उतना फील नहीं करेंगे, वैसे ही गुरु गुरुवर विद्यासागर जी के लिए भी जो मैं फील करता हूँ, शायद सब लोग मानेंगे सब उनको, लेकिन फील उतना नहीं होगा। तो वो फीलिंग्स आंसू के रूप में निकलती है, आप कितना भी रोकना चाहो वो रुकती नहीं है। और कल का पूरा दिन मैं जितना उदास रहा हूँ, और सही मायने में मैंने किसी से भी कल फ़ोन करके बातें भी नहीं की। कई लोग मुझसे चाहते थे कल बात करना, लेकिन नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, 10 अक्टूबर 1946 में उनका जन्म हुआ था, विद्यासागर जी का, विद्याधर नाम था उनका। और वहाँ जो निक नेम होता है, जो हम लोग जैसे बचपन में मुझे पोदू बोलते थे मेरे दोस्त लोग, तो वैसे ही उनको पिल्लू कहा जाता था, पिल्लू। कर्नाटका में सदलगा गांव है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उनका जन्म हुआ। शरद पूर्णिमा का दिन था 10 अक्टूबर 1946, और कल वो परलोक चले गए, मोक्ष हो गए, उनका मोक्ष यात्रा
हो गई कल 18 फरवरी 2024। 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे, 78 ईयर्स में थे वो। और ऐसा संत न कभी युग एक युग में न पैदा हुआ न शायद होगा। इतने महान संत थे जिनका जिनकी महानता के बारे में मैं अगर बोलना भी चाहूँ डिटेल में तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। मोदी जी भी उनके काफ़ी बड़े भक्त थे। मोदी जी भी लगभग हर ही साल या 2 साल में पक्का मिलते थे उनसे। और जो आपके मध्य प्रदेश के सीएम साहब थे शिवराज जी, वो भी परम भक्त थे। वो काफ़ी बार साल में 2-3 बार 4 बार भी मिलते थे। और वैसे तो पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड उनका भक्त है। और ऐसा नहीं सिर्फ जैन समुदाय के लोग, सभी समुदाय के लोग, इवन मुसलमान समुदाय के लोग भी बहुत परम भक्त हैं। आपको अगर मैं चित्र अभी बता देता हूँ, कल सदलगा में जो मस्जिद है वहाँ पे भी उनके बैनर्स लगाए गए। सदलगा जो कर्नाटक में गांव है, तो एक भावुक पल था, थोड़ा सा मैं बोल दिया, आप बुरा मत लगाइएगा। अब मैं मार्केट की बात करता हूँ। आज मार्केट देखिए आपको 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, और ऑब्वियसली हम ऑल टाइम हाई के मुहाने पे खड़े हैं, लगभग उसको छूने के करीब है। 22,040 की हमारी क्लोजिंग थी फ्राइडे की, और सिर्फ महज 86 पॉइंट्स हम अगर क्रॉस कर देते आज, तेज हो जाता है मार्केट, तो हम उस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देंगे जो 22,126.80 का है। 22,126.80 2 फरवरी को बना हुआ है, वो आज टूट सकता है। और जो आपने उस बुधवार को अभी भूले नहीं होंगे, पिछले बुधवार को जब मैं अकेला शख्स था पूरे विश्व में जो बोला पॉजिटिव, और निफ्टी आपका 540-50 पे खुलने वाला था अमेरिका के CPI के आंकड़े के बाद, तो उससे आप नए ऑल टाइम हाई पे आ गए। तो मैंने अपना हर एक वादा पूरा करके दिखाया। अब मैं बैंक निफ्टी में बेयरिश हूँ, भले इंट्राडे में वो 46,450 को आज भी क्रॉस करे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 46,900 के ऊपर कभी भी अभी क्लोज कर पाएगा। एक्चुअल 46,450 के ऊपर क्लोज किया तो पहला साइन होगा कि अब वो तेज़ी में आया, लेकिन कन्फर्मेशन कब आएगी मैं आपको बताता हूँ। 46,920 के ऊपर क्लोजिंग आने से तो बहुत दूर की खीड़ है अभी। मुझे बैंक निफ्टी वीक लगता है क्योंकि पूरा महीना लगभग ख़त्म होने को आया। आज 19 फरवरी में हम पहुँच गए, वो पिछले महीने के 50% के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाए हाई लो के। तो ये वीकनेस का साइन है। मुझे मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है। निफ्टी हो सकता है 22,260 जो मेरा पहला टारगेट था वो अचीव कर दे या नहीं भी करे, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहूँगा भाई की। हाँ, बैंक निफ्टी कोई सिग्नल दे अलग से कि भाई 46,450 के ऊपर आज क्लोज किया, फिर 900 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, तो फिर मैं बड़ी तेज़ी में आ जाऊँगा, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है। क्योंकि कल दूसरा अटैम्प्ट, फ्राइडे को दूसरा अटैम्प्ट था बैंक निफ्टी का अबव 46,450, और वो 700 के करीब गया भी था, लेकिन फिसल के नीचे ही क्लोज हुआ। इससे पहले उसने 2 तारीख को अटैम्प्ट किया था, तब वो 46,900 के करीब गया था, उसके बावजूद 45,970 पे बंद हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल्स पे, जो मार्केट को टिकने नहीं दे रहा। हालांकि HDFC बैंक में मुझे थोड़ा सा टर्नअराउंड दिख रहा है, मगर आप SBI को देखो तो हाईली ओवरबॉट है। अब आपको TV वाले हजार बोलेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा खिसक लेना, अभी समझदारी है, प्रॉफिट बुक करो और लिक्विड में बैठ जाओ। वरना ऐसा नहीं हो कि आप 750 में नहीं बेचे, उसके बाद 500 आने पे बोलोगे अब मेरा 750 कब आएगा। और जो लोग स्टॉक मार्केट में इस कोरोना के बाद आए हैं, उनसे खास विनती है, इस मार्केट में केवल तेज़ी नहीं होती, जब मंदी आती ना तो होठ सूख जाता है, बोल नहीं पाते हो आप।
सुसु करने जाते तो सुसु निकलती नहीं है, बता रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ आपने देखी नहीं है, मैंने तो लाइफ में कई बार देख ली, कई बार। और स्पेशली 2008 तो मैं पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व था, मुझे याद है वो 2008 का समय कि जनवरी में 6357 ऑल टाइम हाई था उस समय का, 2008 का, तब तक का वो ऑल टाइम हाई था 6357, और वही इंडेक्स नवंबर जाते जाते 2125 तक आ गया, 2140 या 25 तक आ गया, 2180 तक 64% का फॉल आया निफ्टी में एक साल में, निफ्टी में 64% का। तो वहाँ हालत ख़राब हो गई वो मंदी झेलते झेलते, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी रिकवरी हुई। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, आपके दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया गया है कि बस यहाँ तो कुछ भी खरीद लो वो तेज ही होगा, तो ऐसे अगर आप मेंटेलिटी लेके चल रहे हो तो आपका फ्यूचर गड्ढे में ज़रूर जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। इस तरह से अंधविश्वास में मत चलो कि हमेशा तेज़ी कायम रहेगी, ठीक है। मार्केट का नाम ही उतार चढ़ाव है, इसलिए इसको बुल एंड बियर दोनों से डिनोट किया जाता है स्टॉक मार्केट को। एक्चुअली बुल का नाम इसलिए आया कि जो बुल होता है वो सींग से अटैक जब करता है तो उछालता है आदमी को, सींग से ऐसे ऊपर, इसलिए ऊपर जाने वाले मार्केट को बुल बोलते हैं। और बियर क्या करता है, बियर यानी भालू, वो स्क्रैच करके अटैक करता है ऐसे नीचे की तरफ, स्क्रैच, ठीक है, ऐसे भालू ऐसे ऐसे करता है ना, तो वो इसीलिए इनका नाम पड़ा है बुल एंड बियर। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बुल बुल देख रहे हो तो बियर की भी बारी आएगी, घबराइए मत। और ऐसी आएगी जब आपके होठ सूख जाएंगे कि आप बोलोगे भैया ये अब रेट मेरी कब आएगी। तो कोई भी चीज़ समय पे अगर प्रॉफिट बुक कर लो तो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपका पोर्टफोलियो कागज़ में बढ़ने से खाली आप रईस नहीं बनोगे, उसका प्रॉफिट बुकिंग वंस इट गेट्स क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट देन ओनली द प्रॉफिट हैज़ टू बी एज्यूम्ड, प्रॉफिट हैज़ टू बी, उस समय आपको प्रॉफिट को मानना है। आप सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट एज्यूमिंग कि मेरा इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो ये सपने की दुनिया में, हकीकत की दुनिया में जब तक आप उस प्रॉफिट को बुक कर लो नहीं और उसको अपने बैंक के खाते में मंगवा नहीं लो, तब तक वो प्रॉफिट सिर्फ कागजों में। तो याद रखिएगा इस बात को, जो आपको तेजी के मंत्र पढ़ाए जा रहे टीवी में कि ऐसा आप तो ऐसा 24 एक और ऐसा, तो थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करो। तुम 2020 को 24 मार्च 2020, अभी 24 मार्च आई नहीं है, 4 साल कंप्लीट हुए नहीं है इस साल के, तो 24 मार्च 2020 में आप 7511 निफ्टी था ना, तो उस निफ्टी को तुम 22,000 पे भी बोल रहे हो बहुत अच्छा है, और ट्रिपल फोल्ड रेट हो गई है, और तुमको ये SBI उस 20 मार्च को, उस 24 मार्च 2020 के दिन 147 रुपया था, आज 750 में तुमको लोग बोल रहे हैं अब ये बेस्ट, अब 1,000 जाएगा, 4 फिगर्स आ जाएगा। 4 फिगर्स आने में मारुति की नानी मर गई, मारुति को 5 साल लग गए 9972 खाई बना के, 5 साल लग गए उसको 4 फिगर्स में आने में, अगर आप मारुति की स्टोरी ट्रैक कर रहे हो तो। अब चलो वो 4 फिगर्स में आया, तो याद रखिएगा कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट की जाती है ताकि उनका माल ऑफलोड होके आपके पास चला जाए। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा भी है बहुत लोगों से, तो ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में बियरिश हूँ, निफ्टी ऑब्वियसली बुलिश है चार्ट में, लेकिन वो भी मुझे थका थका लग रहा है। 2 कैंडल पिछली अगर आप देखोगे तो दोनों चिड़िया जैसी कैंडल बनी, बॉडी वाली कैंडल नहीं थी, तो कहीं ना कहीं, और डाइवर्जेंस आपको क्लियर कर दिख रहा है RSI में। मैं ये नहीं बोला कि इमीडिएटली सेल मार दूँ निफ्टी को, बट बैंक निफ्टी मुझे सेल ऑन राइज ही लग रहा है जब तक कि वो
पहला क्लोजिंग 46,450 के ऊपर नहीं दे दे, और सेकंड मैं पूरी तरह से बुलिश तब होऊंगा जब 46,900 के ऊपर क्लोज आएगी, जो कि 61.8% है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो आप निकाल लेना, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। 48,450 माइनस 44,429 जो भी फिगर आया उसका 61.8% निकाल लीजिए। उस 61.8% को 44,429 में ऐड कर दीजिए तो आपको 61.8% रिट्रेसमेंट फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। और अब कई लोगों के अब मैसेज आ रहे हैं, सर मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे आज एक दिन और दे दीजिए, मंडे एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज़, जो आपने ऑफ़र दिए थे। तो चलिए मैं आज के दिन एक्सटेंड कर देता हूँ, कल मेरा मूड भी, कई लोगों को मैंने जवाब भी शायद नहीं दिया कल, कई व्हाट्सएप का जवाब मैंने नहीं दिया, उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। और कल रियल में एक शॉकिंग डे था मेरे लिए। तो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। विद्यासागर जी भी यही बोलते थे, कर्म चलते रहना चाहिए। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।